हे गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम एक बीस्ट या फिर बेस्ट गेमिंग रोम के बारे में बात करेंगे रेडमी नोट 5 प्रो के ऊपर। तो ये वाली जो रोम है ये बेसिकली एक पोर्टेड रोम है पिक्सल 4a से, और इसके थ्रू आप अपने रेडमी नोट 5 प्रो को ना पिक्सल 4a के अंदर कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग कॉम्बो है ना, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर से कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इस रोम के अबाउट फोन के ऊपर। तो ये वाली जो रोम है ना, ये पिक्सल 4a से पोर्टेड है और ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपको मिलता है 5 जून 2021 का। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो 1 जून 2021 का है। कर्नल यहाँ पे मिलता है ना, जो वो आपको मिलता है एक्सटेंडेड का, HMP वर्जन 84 आई थिंक ऐसा कुछ आपको कर्नल मिलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, बट मैंने यहाँ पे अभी ना कर्नल डाल रखा है डेजर्ट ईगल का। तो आप देख सकते हो ये वाला आपको मिलता है एक्सटेंडेड कर्नल 4.4 HMP ओल्ड कैम वर्जन 80 वाला। तो ये आपको कर्नल यहाँ पे इनबिल्ट मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन्स की, तो हमने बात कर ली, बट सबसे पहले बात करेंगे अभी ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्पीड की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो स्पीड है ना वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली जो रोम है ना वो काफ़ी स्मूथ है, मेरे को रोम के अंदर कोई भी इश्यूज नहीं आए। स्टॉक कर्नल के ऊपर भी काफ़ी रोम आपको स्मूथ देखने को मिल जाती है। सो जो एक्सपीरियंस है ना, स्मूथनेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड जो राउंडेड कॉर्नर्स है वो भी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। रिसेंट्स का मेन्यू ऐसा है, लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्योंकि ये वाली जो रोम है ये एक पिक्सल एक्सपीरियंस रोम आप इसको बोल सकते हो, और ये पोर्टेड ऐप 4a से, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग के अंदर, एंड अभी बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद जेस्चर्स। तो जेस्चर्स के अंदर आपको 2 बटन नहीं मिलता, और आप जो है एजेस की सेंसिटिविटी को ही कम ज़्यादा कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है, बट फेस अनलॉक आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो जो स्पीड है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसी देखने को मिलेगी। स्पीड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड कोई भी आपको इश्यूज वगैरह यहाँ पे नहीं आने वाले। साउंड एंड वाइब्रेशन का लुक कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कोई आपको जो है ज़्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले के अंदर वही सभी चीज़ें मिलेंगी। अडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह वर्किंग है। अगर आप ये वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जाके आप ना वॉलपेपर ये वाला सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक कैटेगरी के अंदर आपको मिलता है, तो ये वाला वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे जो है ना कलर्स वगैरह को बूस्टेड रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर सैचुरेटेड कर सकते हो। देन फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है, बट फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते। टैप टू वेक की बात करेंगे तो टैप टू वेक आपको मैं चेक करवा देता हूँ एक बार, वर्किंग है या नहीं। तो टैप टू वेक आपका यहाँ पे वर्क करता है, टैप टू स्लीप आपका यहाँ पे वर्क नहीं करता लॉक स्क्रीन के ऊपर। अब बात करेंगे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की, तो जो डिवाइस है ना वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ आपका सर्टिफाइड है या फिर नहीं। तो डिवाइस आपका यहाँ पे शो करता है नॉट सर्टिफाइड, और अगर आप यहाँ पे रूट करोगे ना तो आपका यहाँ पे जो टेस्टेशन है वो फेल्ड आएगा, तो आपको मैन्युअली यहाँ पे फिक्स करना होगा टेस्टेशन वगैरह को। तो आई थिंक ये चीज़ सभी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, सो टेस्टेशन आपको फेल्ड देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ना इस रोम के अंदर मिल जाती है, और रोम काफ़ी स्मूथ है। एक चीज़ आपको मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा डेटा है ना वो F2FS के अंदर है, तो अगर आप EXT4 वगैरह के ऊपर यूज़ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और F2FS यूज़र्स भी आप इसको यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। स्टॉक कैमरा की बात करेंगे, फिर काफ़ी सारी और चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैमरा मिलता है ना वो कैमरा गो एडिशन है, और ये कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो ना तो आप GCam 7.4 वगैरह या फिर 8.1 भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले। ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना ऑप्शन मिल जाता है, या फिर ये जो क्विक सेटिंग पैनल है वो आपको कुछ इस तरीके से रीडिज़ाइंड मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे ना कस्टम है, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मिनिमल टाइप आपको मिलता है। आप डार्क थीम लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आपका जो टॉर्च वगैरह है वो भी वर्किंग है, और ब्लूटूथ वगैरह या फिर वाईफाई सब कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ करने का ऑप्शन है। नाइट लाइट आपका वर्क करता है।
नेक्स्ट आते हैं इसके बैटरी बैकअप के ऊपर। सबसे पहले जो चार्जिंग स्पीड है ना वो काफ़ी अच्छी है, बट ना थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है जब आप 18 वॉट फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करोगे। एंड ना थोड़ा सा बैटरी भी मेरे को कम लगा है, बट जो है अच्छी खासी बैटरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगी, बैटरी काफ़ी अच्छी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है, सुबह से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस रोम को। एंड आप देख सकते हो पबजी वगैरह भी मैंने, सॉरी BGMI भी मैंने काफ़ी यहाँ पर खेल लिया। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ना चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर के आसपास आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम इस रोम के ऊपर मिल जाएगा, तो बैटरी कुछ ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड कर्नल के ऊपर चेक किया था, वो है 1,49,000 के आसपास, एंड कुछ ऐसा स्कोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। रही बात इसके जो है CPU थ्रोटलिंग ग्राफ की, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको ग्राफ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो CPU थ्रोटल होता है ना वो 95% तक आपको देखने को मिलता है एक्सटेंडेड के ऊपर। सो मैंने सोचा यहाँ पर ना जो है एक कर्नल डालते हैं, एक्सटेंडेड को रिमूव करते हैं, और मैंने यहाँ पर डाला है डेजर्ट ईगल वर्जन 17 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन, और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो काफी कमाल की है। मैंने पहले एक्सटेंडेड के ऊपर भी चेक कर लिया था, बट उसके अंदर थोड़े से फ्रेम ड्रॉप थे। अब ये वाला जो कर्नल है ना डेजर्ट ईगल वर्जन 17, इसको मैंने ओवरक्लॉक किया है 2.2 GHz के ऊपर, और इसके अंदर आप ओल्ड कैम वाला ही फ्लैश करना, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। और ओल्ड कैम ही इसके ऊपर आई थिंक सपोर्टेड है, क्योंकि पहले वाला जो कर्नल है वो भी ओल्ड कैम है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मिलता है वो ओल्ड कैम के ऊपर है। तो कुछ ऐसे ही आप यहाँ पे ना जो है फ्लैशिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर गेमिंग की बात करें ना, गेमिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ है। एंड डेफिनेटली अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, इस डिवाइस के चिपसेट के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो इस चीज़ के साथ। तो अगर आप फ्लैश करना चाहते हो तो आप अग्नि कर्नल भी फ्लैश कर सकते हो, अदरवाइज़ इसके ऊपर भी मेरे को तो कोई भी इश्यूज़ नहीं आए, कोई हीटिंग इशू आपको नहीं आएगा, ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं आएगा। डेफिनेटली ओवरक्लॉक करोगे तो थोड़ा सा हीटिंग इशू फेस करना पड़ेगा, बट मेजर हीटिंग इशूज़ आपको इस रोम के ऊपर इस कर्नल के साथ नहीं आने वाले। एंड जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो मेरे को काफ़ी कमाल की लगी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी Note 5 Pro की, तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो।